यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस बार बार पश्चिमी देशों को चेतावनी दे रहा है कि वो यूक्रेन में घुसकर रूस के खिलाफ षड्यंत्र न करें, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हालांकि अमेरिका की अगुवाई में नाटो देश यूक्रेन को गोला बारूद से लेकर हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिसके दम पर यूक्रेन अभी भी युद्ध में टिका हुआ है। लेकिन अब पुतिन ने पश्चिमी देशों को दो टूक कह दिया है कि अगर नौबत आई तो वो परमाणु हमला करने से नहीं चूकेंगे। दरअसल जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से ही पुतिन ने अभी तक किसी विदेशी मीडिया को कोई इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। वो लगातार रूसी चैनलों के जरिए पश्चिम को अपना पैगाम भेज रहे थे, लेकिन अब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें दुनिया की तमाम दिग्गज न्यूज एजेंसियों को बुलाकर पुतिन ने उनके सवालों के सीधे जवाब दिए हैं। पुतिन ने इस दौरान पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा यदि उसकी संप्रभुता या सरजमी के लिए खतरा पैदा होगा। पुतिन का कहना है कि परमाणु युद्ध का नतीजा उन देशों को भुगतना होगा जो यूक्रेन के उस प्रयास का समर्थन कर रहे हैं जिसके जरिए वो रूस के भीतर हमले करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि जब पुतिन से परमाणु हथियार के इस्तेमाल के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मुद्दा सवाल से बाहर नहीं है। कुछ कारणों की वजह से पश्चिम को ऐसा लगता है कि रूस कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन रूस का 2020 का परमाणु सिद्धांत रूसी सरकार को परमाणु हथियार इस्तेमाल करने को लेकर अधिकृत करता है यदि रूस के खिलाफ नरसंहार हथियार इस्तेमाल किए गए या फिर हमारे वजूद को इससे खतरा पैदा होता है तो ऐसी स्थिति में रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина. Посмотрите, что там написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Надо, нельзя относиться к этому легко, поверхностно. Нужно относиться профессионально. Не надо формировать образ врага из России. Вы сами себе только вредите этим, понимаете? Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Но это было бы бредом, да, если бы не было задумки для того, чтобы одурачивать свое собственное население. Говорить, караул, скоро Россия на нас нападет, и мы должны срочно вооружаться, срочно направлять вооружение на Украину. А на самом деле для чего это делать? Чтобы удержать свое собственное имперское положение и величие. Вот для чего это делается. आपको बता दें कि पुतिन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात तो साफ कर दी है कि अगर अमेरिका और जर्मनी द्वारा दिए गए एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रूस के भीतर हमला करने के लिए होता है तो इसका जवाब ठीक उसी तरह दिया जाएगा और ऐसे हालातों में इन देशों का कृत्य रूस के खिलाफ सीधे युद्ध के तौर पर देखा जाएगा। पुतिन का कहना है कि अगर अमेरिका के एडवांस हथियारों द्वारा रूस के भीतर हमला होता है तो रूस भी इसी तरह से पॉलिसी को अपनाएगा और उनके पड़ोसी मुल्कों को ये हथियार उन पर हमला करने के लिए देगा। जब पश्चिम देश ऐसा कर सकता है तो रूस क्यों नहीं। हालांकि अमेरिका ने यूक्रेन को ATACMS मिसाइल से रूस के भीतर हमला करने की यूक्रेन को परमिशन नहीं दी है